जी हाँ, मोबाइल पे किया था मैं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, और एसक्यूएल सर्वर में हम बात करेंगे स्लैक क्यूरी की। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम आपको जो एसक्यूएल सर्वर सिखाएंगे वो सिखाएंगे जो MIS प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है। एसक्यूएल सर्वर ऐसे बहुत बड़ी चीज है जिसमें आप .NET के बैकएंड में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बैकएंड में, VP.NET के, VV6 के बैकएंड में इसका यूज किया जाता है, ठीक है सर जी। लेकिन एक MIS स्क्रिप्ट को वो सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। MIS स्क्रिप्ट को जरूरत होता है डेटा पुल करने की जी। SQL में डेटा है या SQL टाइप के बहुत सारे सर्वर में डेटा है, उससे उसको एक्सेल पे लाना है या उसमें उस एक्सेल पे क्या क्या डेटा लाना है उसकी क्वेरी डिफाइन करनी होती है, क्योंकि डेटा लाने के बाद ही उसके आगे उसका एक्सेल पे डेटा एनालिसिस और बाकी चीजों का काम होता है। तो मेन चीज होता है डेटा को पुल करना। तो वो कैसे करेंगे, ये चलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटाबेस में कनेक्ट करता हूँ, ये ब्राउज में आता हूँ मैं यहाँ पे डेटाबेस में, ठीक है जी, इसको कनेक्ट करता हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, मेनली इसमें जो होता है सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। तो इन सिलेक्ट में क्या है, डेटा को पुल करता है। इंसर्ट क्या है, डेटा एंट्री करता है। अपडेट क्या है, की गई डेटा एंट्री को अपडेट करता है। और आपका डिलीट क्या है, डेटा को डिलीट करता है, जो कि हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं लेकिन हमें मैनुअली करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं सर। तो हम डेटाबेस में इस आते हैं और हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल पे आते हैं। ओके, ये टी डेटा का टेबल है, इस पर राइट क्लिक करके मैं एक बार व्यू करता हूँ। सर ने आपने लिख दिया सिलेक्ट टॉप 1000, समझ गए। तो इसलिए क्या किया, 1000 डेटा आपका यहाँ निकाल के दे देगा। और जैसे कि मैंने कल की क्लास में समझाया था कि 1000 डेटा यहाँ निकाल के देगा, इसकी गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि डेटा 1000 से ज्यादा हुआ तो डेटा आपको शो नहीं करेगा, यहाँ टॉप को हटा सकते हैं। तो इस सिलेक्ट क्यूरी हम आपको चलाएंगे। तो क्यूरी नॉर्मली जो आप यहाँ से करेंगे करना पड़ेगा, एक बार क्यूरी लिख के आपने सेव कर दिया, बस आपको उसी क्यूरी को रन करना है, समझ गए। तो यहाँ न्यू क्यूरी पे आता हूं और न्यू क्यूरी पे यहाँ हम लिखता अपनी क्यूरी को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे क्यूरी, चलिए हम बात करते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंपल सा रूल क्या होता है, सिलेक्ट क्या क्या, कौन कौन से फील्ड चाहिए, और फील्ड किस टेबल से चाहिए, और कोई कंडीशंस है वो कंडीशंस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, समझ गए। जैसे यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट, अब यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, मतलब कि ओवरऑल, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे दे दिया फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे टेबल नेम देना जरूरी है, या फिर यहाँ देखिए 10 डेटा दिए हुए हैं तो आप टेबल पूरी पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ इसको पी डेटा, यहाँ पे ADO.P डेटा लिख सकता हूँ। यहाँ नाम दिख रहा है ना, मैं इस पर डाल, ठीक है जी, DBO.P डेटा। अब मैं इसको यहाँ से एक्सक्लूड करता हूँ, आप देखिए रिकॉर्ड आ गया। तो सिलेक्ट स्टार किया हमने, क्या किया सिलेक्ट स्टार, मतलब कि उसके जितने भी फील्ड सारे फील्ड आने चाहिए जी, समझ गए जी। इसी में मान लीजिए कि सारे फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहां बताना पड़ेगा कि मुझे नेम चाहिए, आ गया नेम,
ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है कॉलम नेम, यहाँ से भी पिक कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास सिर्फ नेम आएगा। मुझे नेम के साथ मान लीजिए यहाँ पे सिटी भी चाहिए, तो हमने कॉमा सिटी किया, यहाँ सिटी, तो सिटी पिक कर लिया हमने, यहां से एग्जीक्यूट किया, ये हमारा सिटी आया। तो जिस जिस कॉलम को करना है और कॉलम दे दीजिए और यहाँ पे अपना डेटा टाइप दे दीजिए। समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत जी? नहीं सर। क्लियर है जी। अब बात करते हैं कि इसमें कंडीशन कैसे लगाया जाए। कंडीशन मतलब कि हमें पूरा डेटा लेना है, पूरा डेटा नहीं लेना है, मुझे इसमें से मान लीजिए कि सिर्फ पुणे का डेटा लेना है। तो नीचे हमें वेयर कमांड, इसमें जो इफ कंडीशन लगता है वो वेयर के साथ लगता है, कि वेयर हमने यहां लिखा कि सिटी इज इक्वल टू पुणे। ठीक है जी। मैं इसको रन करता हूं, ये एरर आया क्योंकि पुणे को इसने कंसीडर नहीं किया, तो इसमें डबल इंपॉर्टेंट कॉमा लगेगा। वो वर्जन वर्जन में फर्क होता है, एक बार डाल के देख लीजिए किसी वर्जन में इन्वर्टर कमा। कंडीशन टाइप ये आ रहा है मैसेज लेवल सिक्स स्टेज वन मैसेज टू एस एन इनवैलिड कॉलम नेम पुणे। सर आपकी आवाज ना कम आ रही है, थोड़ा स्पीकर में कम ज्यादा हो रही है। आपने कमांड दिया बेयर इनवैलिड कॉलम नेम पुणे। इसको कॉलम तो समझ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमसे दिक्कत ये हो रही थी कि इसके अंदर जब भी हम किसी टेक्स्ट को मैच करते हैं तो हमें लाइक कमांड लेके चलना होता है, समझ गए, कमांड लेके चलते हैं तभी जाके आपका यूज होता है, अदरवाइज यूज नहीं होता। इक्वल साइन नंबर्स पे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अमाउंट में 70 चाहिए हमें, यहाँ क्या कर रहा हूँ अमाउंट इक्वल टू 70,
प्रेजर. तो जो आपका इक्वल का जो साइन है, इक्वल का साइन या जो भी है, तो यहां पे कंडीशंस को हम इस तरह से यूज करते हैं. थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्या है सर? मैं ऑर्डिकल भी यूज कर रहा हूँ, इसको भी यूज कर रहा हूँ, वीडियो भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक्सेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि किस पे क्या लगा. लिखने का तरीका सबने वही से, कहीं पे इक्वल देना है, कहीं पे लाइक देना है, कहीं पे डबल कोटेशन मार्क देना है, कहीं पे सिंगल कोटेशन मार्क देना है, इसका यूज होता है. तो इसमें ठीक कर दिया, मान लीजिए कि मुझे यहाँ अमाउंट में ही ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे एंड दे दिया अमाउंट इज लेस देन. इस तरह से मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. जी गया? तो वेयर कंडीशन को इस्तेमाल करें, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन यहां पे आप इसका यूज करना जरूरी है. कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब मान लीजिए कि मुझे अगर आईपीटी में, मतलब कि सेम चीज को आईपीटी में रन करना है, तो कैसे रन करें? आईपीटी में मेरे पास एन डेटा है, एन डेटा के अंदर टेबल्स है, इसमें टेबल नहीं है. तो यहाँ पे टेबल है ना, ये डेटा है. मुझे मान लीजिए कि इसमें यूज करना है, तो कैसे यूज करें? देखिए, इसको जो रन किया हुआ है पी डेटा है, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ डेटा कर दूं तो ये रन नहीं होगा. क्यों? फिर इस डेटा का रन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसक्यूएल का सर्वर है, डेटाबेस जो कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है? टेन डेटा से. तो आपको अगर आईपीटी के डेटाबेस लेना है, तो फिर यहाँ आपको चेंज करना होगा आईपीटी को. आईपीटी कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए. ये आपका डेटा, अब देखिए आईपीटी से आ गया. और इसको कैसे, अगर इसको फाइल में रन करते समय आपको, जैसे कि ये भी क्या है, क्लाइंट में है. फिर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे सॉल्व करने के तीन तरीके हैं रिजल्ट के. पहला है कि टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो टेक्स्ट आपको जो है डेटा नोट पैड की तरह शो करेगा. उसके बाद इसको अगर आपको, अगर इसको एज अटैचमेंट चाहते हैं, तो फिर इसको आरटीएफ में वो अटैच एक्सक्यूट कर देगा, यहाँ से इस फाइल को सेव कर देगा रिपोर्ट फाइल में आरटीएफ. समझ गए? लेकिन मान लीजिए मुझे रिपोर्ट फाइल में नहीं करना है, dd.x में करना है, यहाँ ऑल फाइल सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया. ठीक है, तो 524 रोल जो है यहाँ देखिए आ गया. समझ गया सर? जी जी. तो अब जैसे कि आपने जो भी प्रोग्राम अगर लिखा है, तो उसको लिखने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए. नेक्स्ट टाइम अपनी क्यूरी को ओपन कीजिए और रन कर दीजिए. ठीक है. तो समझ के मैं डायरेक्ट यहाँ अभी तो मैं छोटे पर क्यूरी समझा रहा हूँ ना, इसलिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10 डेटा में वापस आता हूँ, प्लॉट पी डेटा कर देता हूँ उसको, पी डेटा वेयर कंडीशन हमने लगाया, एक और वेयर कंडीशन लगाता हूँ, वेयर सिटी लाइक. इसमें एक चीज और आता है, वो आता है ऑर्डर बाय, मतलब तो आप जो है सॉर्ट किसके बिहाफ पे करना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ जो होगा नेम के बिहाफ पे होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय नेम. ठीक है, ए एस सी कर देंगे तो ये हो जाता है असेंडिंग, डी आई एस हो जाता है डिसेंडिंग. सॉरी, एक मिनट कैंसिल करता हूँ मैं, आप इसको लाइन पे लेकर देखिए, नेम बाय शॉर्ट है,
और सिर्फ पुणे का डेटा आया होगा। तो सेलेक्ट कमांड लगाने का, सेलेक्ट कमांड लगाने का तरीका समझ में आ गया आपको? जी हाँ। इसमें आप सेलेक्ट स्टार ये होते कि और यहाँ पे आप कॉलम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है फॉर्म करके अपना टेबल का नेम दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लाइक कमांड भी दे सकते हैं। दो कंडीशन देना होता है, एंड और का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसमें आता है ज्वाइन, जैसे दो टेबल्स को लेना या टेबल्स को लेना, वो हम आपको आगे सिखाएंगे। अब इसी में एक और चीज आता है सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूं टॉप, ठीक है। टॉप हमने थ्री कर दिया, टॉप थ्री स्टार, जो हाईएस्ट जो टॉप पर तीन डेटा है वो आ जाएगा। अब तीन डेटा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अमाउंट को हाईएस्ट में तीन देगा, समझ रहे हैं। पहली तीन डेटा है वो आपको यहाँ पे दे देगा, या तीन कर दीजिए, थर्टी कर दीजिए, या ट्वेंटी कर दीजिए। ओके, हिसाब से जो टॉप है वो आपको, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप थ्री हमने लिखा और स्टार, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूं परसेंट रैंक, सिर्फ परसेंट करता हूँ रैंक वाले। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पुणे का आया है और 23 और 9% परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चला है, और परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से दिया हुआ। अब मैं मान लीजिए कि मुझे टॉप थ्री में पूरा डेटा नहीं चाहिए, मैं करता हूं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट चाहिए, डिस्प्यूट कीजिए, ठीक है सर, ठीक है। तो कोई कॉलम भी ले सकते हो, पूरी की पूरी कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है। अब जो परसेंट कीवर्ड है ये जान लीजिए क्या है, मतलब इसने क्या किया, जैसे कि मेरे पास डेटा अगर 1000 है, ठीक है, आपको समझ आइए कि परसेंट का यूज क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्यूट कर लिया, स्क्यूट हो गया, इसमें डेटा कितना है, 45 डेटा है जी। अगर मैंने 45 डेटा का टॉप 10 फिर यहाँ पे परसेंट, टॉप 10% कर दिया, ठीक है जी, तो ये 5 आया। इसने क्या किया, 45 मल्टीप्लाई किया, इक्वल 45 मल्टीप्लाई बाय 10%, इक्वल कितना है 4.5, इसको राउंड में किया 5, इसने क्या किया टॉप से 5% लग गया। Got it सर। मतलब कि अगर टॉपर चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि आपको मान लीजिए इसका यूज कहाँ होता है, समझ आ जाता है इसका यूज क्या होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग सर्वे करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉल सेंटर में है, आपके पास लाखों कॉल्स है, और सारे कॉल्स को ऑडिट करना पॉसिबल तो नहीं है ना जी। तो हम क्या करेंगे, टॉप से 10% उठा लेंगे या बॉटम से 5% उठा लेंगे, राइट, ठीक है ना। तो अपने आप डेटा को लेगा, उसके हिसाब से वो परसेंट करके हमको दे देगा। टॉप परसेंट, टॉप कीवर्ड और टॉप परसेंट कीवर्ड, समझ में आ गया जी। तो ये अभी हमने आपको सिखाया, वो सिखाया आपको इंडिविजुअली टेबल से डेटा को लिंक कर, ठीक है, इंडिविजुअल टेबल से।
बट मल्टीपल टेबल से हम थोड़ा सा कुछ दिन बाद सिखाएंगे, क्योंकि उसमें इनर ज्वाइंट आउटर ज्वाइंट आपको ज्वाइन कराना होगा। जी समझ गए, ठीक है। और साथ में आपने सिलेक्ट टॉप के बारे में भी आपने ले लिया। जी इसमें आपको एक चीज और आता है, परसेंट के बगल में यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ इसने क्या किया, टॉप 10 के जवाब पे 15 दिया इसने। अब विथ टाइज क्या करता है, इसमें क्या होता है कि मोर देन 5 रिटर्न करता है, आपने जितना डाला हुआ है उससे ज्यादा रिटर्न करता है, ठीक है ना। माने कि आसपास इसमें दिया हुआ है कि विथ टाइज क्लॉजेस वुड इंक्लूड द रोज दैट मैनी विथ टाइज लास्ट प्लेस विद इन द लिमिटेड रिजल्ट सेट। सो इफ यू the fifth top record is the tie, then all record in this tie position will be returned by the select top statement, and this will result in the more than 5 being the return. इसलिए 5% इसने दिया हुआ, समझ गए? नहीं सर मैं समझा नहीं है। नहीं समझता है, चलिए इसको समझाने के लिए मुझे एक डेटा देखना होगा, मैनुअल डेटा, क्योंकि छोटे रिकॉर्ड पे आपको समझ में आए। ये आपका आ गया मोहन ओम, यहाँ पे एक काम और करता हूँ, डेटा के अंदर मेरे पास 5 रिकॉर्ड है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लेता हूं और इस क्यूरी में लिखता हूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। इसमें हमने एडीओ कनेक्शन लगाया नहीं, रिजल्ट आया इसमें आपको जो लगाना पड़ेगा कि अलग अलग जगह पे अलग फॉर्म, माफ कीजिए इसे फॉर्म पे स्पेलिंग मिस्टेक आ गया। अब किसी किसी एप्लीकेशंस में आपको एक डीबीओ डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी में लगाने की जरूरत होती है। तो ये आपका टोटल 4 रिकॉर्ड आ गया ना सर। मैं इसमें अगर टॉप 2 कर देता हूँ तो क्या होता है, पूजा और मोहन का रिकॉर्ड दे देगा जी। अब इसमें मैं कर देता हूं विथ क्या था, टाइज, यही था ना जी, TIES टाइज। विथ टाइज नहीं, यहाँ पे टॉप परसेंटेज पे टाइज चलता है।
ऑर्डर वाइज देना पड़ेगा इसको, ऑर्डर सिर्फ कविता का नाम, क्योंकि 2% कम है ना, अगर यहाँ पे 10% करते हैं तो रिकॉर्ड कम है सर। जी जी टाइज नहीं 50%, हाँ टॉप 50 कर दीजिए तो आधा आ जाएगा, दो आ गए, 60% करता हूँ, दो ही आएंगे, तीन ही आएगा, ठीक है, अरे 5 है ना वो, हाँ ठीक है, तो टॉप समझ में आ गया, टॉप का यूज क्या है, जी हाँ, और टॉप परसेंटेज का यूज क्या है वो भी समझ में आ गया आपको, जी सर, ठीक है, टॉप परसेंटेज तभी वर्क करता है जब आपका, जब तक आपने ऑर्डर बाय नहीं लगाया हुआ है, कोई एक नहीं किया हुआ है तब तक, ओके, ठीक है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे स्लैक इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है सर, ठीक है, और इसको आप अपने बड़े डेटा भी यूज कीजिएगा तो आप और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल मैनिपुलेशन लगा के चेक कीजिएगा, जी हाँ सर उससे करूंगा, ठीक है, सर मुझे ना, ओके सर लिंक कर दीजिएगा प्लीज सेंड, जरूर जरूर, थैंक यू।